आजकल हम लोग पैकिंग सामानों को ज्यादातर उपयोग में लाते हैं, लेकिन आपको पैकेट को फाड़ कर खाने से पहले एक बार बारकोड को जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में चीन और ताइवान से खाने की चीजें ऐसी आने लगी है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसलिए सुपरमार्केट से खरीदी करते समय ये चीज अवश्य देख लेनी चाहिए कि सामान कहाँ से बनी है, ज्यादातर प्रोडक्ट कहाँ बना है या नहीं दर्शाता है, केवल वितरण कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है ये दर्शाता है। आज अगर दुनिया ज्यादा परेशान है इन चीन और ताइवान के बने प्रोडक्ट से, इस बात से चीन सरकार और वहाँ के उद्योगपति इस बात से भली भांति वाकिफ है कि हमारे प्रोडक्ट को दुनिया में पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए ज्यादातर प्रोडक्ट पर नहीं लिखा होता है कि ये चाइना में बनाया गया है। लेकिन आपको खरीदी करते समय ये प्रोडक्ट कहाँ से बना है ये जानना अति आवश्यक। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट का पता कैसे लगाएं, आखिर ये प्रोडक्ट कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया गया। ये जो स्क्रीन पे शो कर रहा है ये बार कोड है, अगर इसके शुरुआती के 3 अक्षर 690, 691, 692 रहे तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट चाइनीज है। वही अगर शुरुआती अक्षर 471 है तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट मेड इन ताइवान है। इसी तरह से हम लोग बाकी कोड को भी फाइंड कर सकते हैं। वही अगर बार कोड के शुरुआती अक्षर 890 हो तो समझ लीजिए अपने देश भारत का प्रोडक्ट। 00 से 009 तक तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट अमेरिका और कनाडा का है। 30 से 37 तक ये फ्रांस का है। 40 से 44 जर्मनी, 49 जापान। वही अगर 50 हो, 50 हो तो ये समझ लीजिए प्रोडक्ट यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। तो आप इस तरह से बारकोड को पढ़ करके पता लगा सकते हैं आखिर ये प्रोडक्ट कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है।